हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इस फेशियल मसाजर का रिव्यू और इसे इस्तेमाल करने के बाद मुझे कैसा लगा और कैसे आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली, और ये सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है और ये चलता कैसे है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बैटरी डलती है। तो ये देखिए, मैं इसके अंदर बैटरी डाल दी है। तो अगर ये ख़त्म हो जाए तो डेफ़िनेटली आप दूसरे यूज़ कर लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बंद होता है। तो या और इसमें एक और सिस्टम भी है, आप इसमें स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, लो एंड हाई जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे तो आप उस हिसाब से इसकी स्पीड जो है कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको टोटल इसके साथ कितने अटैचमेंट्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर मेरे पास है ये 5 अटैचमेंट्स मिलते हैं, जैसा कि आप पिक में भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, मुझे ये टोटल 5 अटैचमेंट्स मिलते हैं। और इन अटैचमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ इस अटैचमेंट की। और इस अटैचमेंट का नाम है क्रूड पॉलिश। तो इससे आप अपनी एल्बोज़ और नी को ईजिली क्लीन कर सकते हैं। आपकी जितनी भी वहाँ पर ऐसे एरियाज़ पर, नीज़ पर और एल्बोज़ पर डेड स्किन सेल्स जितने भी होते हैं उसे ये बहुत ही नाइसली रिमूव करता है। और कैसे आपने इसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं अभी आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। सेकेंड जो अटैचमेंट की मैं बात कर रही हूँ वो है मेकअप स्पॉन्ज। तो ये कुछ इस तरह से आता है, देखिए, और बहुत ही सॉफ्ट है ये सेकंड अटैचमेंट जो आप देख सकते हैं। और इसे आप अपना मेकअप भी इजीली कर सकते हैं। और थर्ड जो मेरा अटैचमेंट है ये है लेटेक्स सॉफ्ट स्पॉन्ज है, और ये काफ़ी सॉफ्ट है, ये देखिए। तो इससे भी आप अपने फेस को क्लींस कर सकते हैं, अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और फोर्थ जो अटैचमेंट है वो है रोलिंग मसाजर, आप देख सकते हैं इसमें कुछ व्हील्स टाइप लगे हुए हैं, ये देखिए। तो ये है रोलिंग मसाजर, और ये भी बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में, अगर आप अगर ऑयल मसाज करना चाहते हैं या क्रीम मसाज करना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में वर्क करता है और बहुत ही अच्छा एक ग्लो भी लेकर आता है। और इसे मसाज करना भी काफ़ी इजी है। और एंड में जो फिफ्थ अटैचमेंट है वो है मेरा सॉफ्ट ब्रश। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, इसके ब्रशेज़ कितने सॉफ्ट हैं, ये देखिए कितने सॉफ्ट इसके ब्रिसल्स हैं। और ये इसकी हेल्प से भी आप अपने फेस पे फेस वॉश करना चाहते हैं या क्लिनजर लगाना चाहते हैं तो इसे ईजिली ब्लेंड कर सकते हैं आप, और बहुत ही अच्छे से ये आपकी स्किन पर वर्क करेगा। तो चलिए मैं फटाफट से सारे अटैचमेंट्स आपको अपनी फेस पर इस्तेमाल करके बताती हूँ कि आपने इसे कैसे यूज़ करना। और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो अटैचमेंट यूज़ करने जा रही हूँ वो है ये सॉफ्ट ब्रश। तो इसे आप इस तरीके से लगा लीजिए और इसकी स्पीड भी आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, लो या हाई पर आपने रखनी है, जैसे भी आपने सेट करना चाहें आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। और ये देखिए, इसे आपने इस्तेमाल कैसे करना है, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश, और मैंने अपने फेस पर अभी तक फेस वॉश नहीं किया हुआ है। तो बस, और मैंने अपने फेस पे फेस वॉश लगा लिया है। और जब आप इसे इस्तेमाल करें तो इसे गीला कर लीजिए और अब आप अपने फेस पर इससे मसाज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें फेशियल मसाजर की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, हाथों से मसाज करने पे उतने अच्छे तरीके से स्किन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है जितना कि आप फेशियल मसाजर को यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से अगर आप मसाज करते हैं तो आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो लेकर आता है, और जितनी भी आपकी पिम्पल्स की प्रॉब्लम होती है उसे ये सॉर्ट आउट करता है। और जो भी आप इसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं क्रीम या ऑयल से, तो ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फास्ट आपकी स्किन में एब्जॉर्ब कर देता है उस प्रोडक्ट को। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर 2 से 4 मिनट लिए काफी होगा, और ये आपको हर एक वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाता है ये, और जहां से मैंने इसे परचेज किया था तो उसकी लिंक भी मैं नीचे आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने फेस वॉश कर लिया है, बहुत ही अच्छा एक ग्लो आ गया है स्किन में, स्किन काफ़ी यूथफुल लग रही है और बहुत ही अच्छी चमक लेकर आया है स्किन में। बहुत ही अच्छे से मसाज की है इसने और डेड स्किन सेल्स को भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है, और आपके ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो ये अटैचमेंट मुझे काफ़ी पसंद आया। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स कि मैं ये तो नहीं बता सकती कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है और चाइनीज़ माल की कितनी गारंटी होती है ये आप जानते ही हैं। और सेकेंड जो मैं अटैचमेंट की बात कर रही हूँ ये है रोलिंग मसाजर। तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपनी फेशियल मसाज क्रीम।
वैसे भी मैंने 2 से 3 मिनट तक मसाज कर ली है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही नाइसली इसने, बहुत ही जल्दी इसने मेरी स्किन में क्रीम को एब्जॉर्ब कर दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्लो आया है स्किन में इसे इस्तेमाल करने के बाद। तो ये मसाजर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी रिलैक्स मिला है मेरी स्किन को। बट हाँ फ्रेंड्स, कि ये जो रोलिंग मसाजर है इसे आप अपनी आईज एरिया पर नहीं लगा सकते हैं, तो इसके लिए मैं दूसरे अटैचमेंट की हेल्प लूँगी, जो कि मेरा स्पॉन्ज अटैचमेंट था, मैं इसकी हेल्प से अपनी आईज पर मसाज करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस स्पॉन्ज को गीला कर लूँगी, एक्स्ट्रा आपने स्क्वीज कर देना है। बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है स्किन में, तो ये अटैचमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए कितना अच्छा ग्लो आया है स्किन में, और स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है मुझे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रही है स्किन, और टच करने पे आप फील कर सकते हैं अपनी स्किन की सॉफ्ट और स्मूथनेस को। और नेक्स्ट जो अटैचमेंट है ये है मेकअप स्पॉन्ज, तो इसे मैं पहले गीला कर लूँगी अच्छे से। ठीक, आपने इसे वैसे ही गीला करना है जैसा कि आप ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करते हैं। तो ये देखिए, और एक्स्ट्रा आप स्क्वीज कर लीजिए। थोड़ा सा मैं फाउंडेशन ले लूंगी। तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसने आईज़ के ऊपर अच्छे से ब्लेंड नहीं किया है, आईज़ के इनर कॉर्नर में आपको फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करना पड़ेगा। बाकी जो मेरे फेस का फाउंडेशन है, इसने फुल फेस पे जो मैंने फाउंडेशन लगाया था बहुत अच्छे से इसने ब्लेंड किया है। तो जी हाँ, आप इसकी हेल्प से मेकअप भी कर सकते हैं। सभी अटैचमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। खासतौर से मैं आपको फ्रेंड्स एक बात बताना चाहूँगी कि बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, या जिन्हें फेशियल की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या जिन्हें फेशियल स्टेप्स मालूम नहीं है, वो ये लोग इस फेशियल मसाजर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से वर्क करता है ये आपकी स्किन में। और आई एम सॉरी गाइज, अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस अटैचमेंट की, जो कि है क्रूड पॉलिश अटैचमेंट। और अब अपनी एल्बो को मैं क्लीन कर दिखाती हूँ। तो इसे अगर आप चाहें तो नी एरिया पर भी कर सकते हैं, वैसे अगर आप चाहें तो इसे फेस वॉश लगाकर भी कर सकते हैं इस्तेमाल। तो ये देखिए डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि स्किन इतनी क्लीन नहीं है, बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्किन सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है। ये अटैचमेंट ने भी बहुत अच्छे से वर्क किया है। अगर आप अपने नीज़ और एल्बो पे यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ लग रही है यहाँ की स्किन, बट यहाँ की स्किन इतनी स्मूथ नहीं लग रही है क्योंकि मैंने यहाँ इसे इस्तेमाल ही नहीं किया है, बट यहाँ इस्तेमाल करने पर ये बहुत ज़्यादा मतलब फील हो रहा है आपको टच करने पर कि बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी स्किन। तो डेफिनेटली ये अटैचमेंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड्स, कि मैं इसे महीने में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मैंने इसका रिव्यू इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले मैं इसे खुद यूज़ करूँ, उसके बाद ही मैं आपसे इसका डेमो आपको कर दिखाऊँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। और मेरे लिए ये भी जो अटैचमेंट था बहुत हेल्पफुल रहा है, बहुत ही अच्छे से इसने मेरी एल्बो को क्लीन करा है। तो डेफिनेटली आप इस अटैचमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं ये सारे अटैचमेंट्स, यूज़फुल हैं। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, और मुझे भी ये सारे अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं, और बहुत ही नाइसली इसने मेरी स्किन पे वर्क भी किया है और अच्छा ग्लो भी लेकर आया है स्किन में भी। मुझे तो ये सारे अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और आप इसे परचेज करना चाहते हैं, इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो देखा अपने फ्रेंड्स, कितना ईजी था इन अटैचमेंट्स को इस्तेमाल करना, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा कि अगर आपको फेशियल स्टेप्स बिल्कुल भी मालूम नहीं है या आप बिगनर्स हैं, तो आप इस फेशियल मसाजर से मसाज ईजिली कर सकते हैं, अपना फेशियल आप इजली कर सकते हैं इस मसाजर की हेल्प से घर पर ही। आपको किसी स्पा में या सैलून में जाने की जरूरत नहीं होगी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सारे अटैचमेंट्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है आपकी स्किन के लिए। और ये था मेरा आज का फेशियल मसाजर का रिव्यू। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी इससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।